जागती है तब शहर गांव की आम जनता बेफिक्र होकर चैन की नींद सोती है, लेकिन कांकेर में रात में सड़कों पर जब पुलिस जागती है तो वहां से गुजरने वाले ट्रक चालकों का बुरा हाल हो जाता है। यही स्थिति कांकेर सहित प्रदेश के सीमा इलाकों की है। एक रिपोर्ट देखिए। ये नजारा नक्सल प्रभावित कांकेर के नेशनल हाईवे 30 पर स्थित चारामा थाना का है। यहाँ चारामा पुलिस के द्वारा रात में गुजरने वाले सभी मालवाहक वाहनों से एक खास किस्म का पुलिसिया टैक्स चस्पा कर एंट्री के नाम पर रकम वसूला जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों से दशहरा दिवाली के बधाई जैसे स्टिकर चस्पा कर 200 से 300 की रकम वसूली जा रही है। हम चारामा थाना क्षेत्र अंतर्गत में जो जांच नाको वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हमेशा शिकायत मिलता रहा कि इस सड़क से जितने भी ट्रक चलते हैं वो यहाँ का जो पुलिस थाना है वो अघोषित रूप से एक टैक्स वसूलता रहता है। ये टैक्स क्या मामला है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो वाहन चालक, उससे वो जानने की कोशिश करेंगे। भाई जी नहीं बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। जगदलपुर से। जो टैक्स को लेते हैं, किस टाइप के टैक्स लेते हैं, आपका कॉपी दिखाइए और बताइए किस प्रकार के टैक्स लेते हैं, क्या उसमें टैग मरते हैं और कितना पैसा लेते हैं पुलिस वाले। हर महीना 100 रुपया लेते हैं और ये बेमतलब का टैक्स है, समझ लो। इससे कोई फायदा नहीं है और नहीं देने पे फिर गाड़ी को रोक के फाइन वाइन करते हैं। टैक्स के बतौर क्या चिपकाते हैं आपके, क्या है वो, क्या सिंबल चिपकाते हैं? ये पूरा रसीद वो उनका ये है, पूरा थाने का जो अलग अलग सिंबल है क्या? ये अलग अलग थाने का है, बखारा थाना, चारामा थाना, कांकेर थाना। ये टैक्स नहीं दोगे तो क्या दिक्कतें करती वहाँ की? फाइन करते हैं गाड़ी को, परेशान करते हैं। आपको हर महीना देना ही है? देना ही है, बिना दिए नहीं जा सकते। इस वसूली टीम में आधी रात को पुरुष कर्मचारी ही नहीं, यहाँ महिला आरक्षक भी अपना जौहर दिखाने से पीछे नहीं है। वहीं कुर्सी में आराम से बैठे शख्स सिर्फ वसूली की निगरानी कर रहे हैं ताकि रकम वसूली में कहीं कोई गफलत न हो जाए। 200 रुपया पूरा गांव को, दमत्री को 400, जगदलपुर से 900 रुपया, चारमा 200, कांकेर कांकेर 300। अच्छा, किस बात के इंटरव्यू थे आप सुबह? एंट्री काय को एंट्री लेता है? ये पुलिस वाले पूरा गाड़ी दिया, आंध्रा गाड़ी पूरा गाड़ी दिया। आपके पास है कि गाड़ी की? तो पूरा नया गाड़ी है। नेशनल हाईवे 30 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र को जोड़ता है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में मालवाहक गाड़ियां गुजरती हैं, जिन्हें यह टैक्स देना अनिवार्य है। दरअसल हाईवे पर परिवहन विभाग ने नाका चेक पोस्ट पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन इनके हटते ही अब पुलिसिया टैक्स वाहन चालकों को चुकाना पड़ रहा है। जीवानंद हालदार, न्यूज 18, कांकेर।